देश नहीं झुकने देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 15 दिन, 10 एनकाउंटर और 15 आतंकी ढेर। 100 के स्ट्राइक रेट से सेना एनकाउंटर कर रही है आतंकवादियों का। बिंद्रु का, सुपिंदर का, दीपक का, वीरेंद्र का, हर जवान की एक एक शहादत का, सबका बदला लेगी हमारी सेना। चुन चुन कर मारा जा रहा है इस वक्त। घर में घुसकर आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। तुम जितने आतंकी भेजोगे उतने मारे जाएंगे, सेना की ललकार है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 15 दिन, 10 एनकाउंटर, 15 आतंकी ढेर, 100 का स्ट्राइक रेट है सेना का। सेना ने ठान लिया है, जब तक मारेंगे नहीं अब तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत हुआ सब्र, अब खुदेगी आतंकी कब्र। भारतीय सेना कश्मीर में अब रौद्र अवतार ले चुकी है। सेना चुन चुन कर आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा रही है। कश्मीर के लिए हुए एक एक बलिदान का बदला लिया जा रहा है, यह आपको जानना चाहिए। क्योंकि सेना प्रमुख, ध्यान से सुनिएगा, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे खुद कश्मीर में है। इससे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कश्मीर जा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर जाने वाले हैं, यानी कि कश्मीर में एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। 15 दिन में 15 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। एक और चीज ध्यान से सुनिएगा, बदला क्या पूरा हुआ है। यूपी से श्रीनगर आए कारपेंटर साकिर वानी की हत्या करने वाला आतंकवादी आदिल वानी आज मारा गया, बदला लिया। और लगातार आतंक का एनकाउंटर जारी है। पुंछ के जंगलों में भी आतंकवादियों को घेर लिया गया। और मुझे ये भी अभी खबर मिल रही है कि अभी एक और जगह एनकाउंटर चल रहा है। 2 से 3 आतंकवादी वहां पर भी छिपे हुए हैं, वो फंस गए हैं वहां पर। यानी कि नंबर और बढ़ेगा। ये 100 का स्ट्राइक रेट 200 का स्ट्राइक रेट होगा, एक के बदले 10 मारे जाएंगे। और वहां पर भी पुंछ में भी 10 दिनों से एनकाउंटर चल रहा है। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सलमान निजामी साहब है कांग्रेस पार्टी से। इस बीच जम्मू कश्मीर के कुलगाम में देखिए, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये नंबर बढ़ेगा और आतंकी मारे जाएंगे। तुम जितने आतंकी भेजोगे उतने मारे जाएंगे। 2 से 3 आतंकवादी और फंस गए हैं। अब 15 दिन में 15 मारे हैं, अब 2 से 3 और आतंकवादी फंस गए हैं। कुलगाम में एनकाउंटर शुरू हो गया है, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया है। पुंछ में भी वहां पर भी फंसे हुए आधा दर्जन आतंकवादी। सबका हिसाब होगा, सबका नंबर आएगा। ये रिफत अब्दुल्ला की खबर है न्यूज 18 के, और वो बता रहे हैं कि अभी एनकाउंटर चल रहा है वहां पर, और वहां पर 2 से 3 आतंकवादियों के फंसने की खबर आ रही है। संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ लाइव हैं। सलमान निजामी साहब कांग्रेस के हैं, इरफान हाफिज लोन कश्मीर की आवाज, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही मेरे साथ रॉ के पूर्व अधिकारी आरएसएन सिंह साहब भी आज हैं। आप सबका स्वागत। सबसे पहले संबित, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, ये कार्रवाई पहले हो जाती तो शायद शहादतें ना होती। नहीं, इससे पहले भी हुई हैं। 900 से अधिक आतंकवादियों को ढेर किया गया है विगत 1.5-2 वर्षों में। तो ये अपने आप में एक जो ट्रैक रिकॉर्ड अपने आतंकवादियों को ढेर करने का बताया, ये अपने आप में सबसे बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए, आपको समझना होगा एक बात, जहाँ तक ये आतंकवादियों का सवाल है, मैं तो कहना चाहूँगा कि अगला हेडलाइन यह भी होने वाला है कि हूरों की संख्या कम पड़ गई, जन्नत में जगह कम हो गई। इतने आतंकवादी गए हैं कि वहाँ हूर नहीं मिल रहे हैं उनके लिए। बेहतर बेहतर हूर मिलने वाली थी ना इन सबको, एक एक को, तो हूर नहीं मिलने वाले हैं, पूरों की भारी कमी होने वाली है और जगह भी वहां जन्नत में कम पड़ने वाली है, इतने आतंकवादी जाने वाले हैं। देखिए, एक बात अमन भाई समझना होगा, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, ये जो हम लोग पॉलिटिकली करेक्ट होके बोलते हैं ना, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपने शो में भी ये पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं रखा है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, सच्चाई कड़वी होती है। और सच्चाई यह है कि जिहाद है, जिहाद था, और जिहाद के कारण ही ये जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है वो हो रहा है। दो सोचें हैं, एक सोच है कि जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पे आगे ले जाना, स्कूल खोलना, महिलाओं को उनका अधिकार देना, दलितों को उनका अधिकार देना। दूसरी सोच है जिहाद की सोच, और वो सोच है कि एक ही संप्रदाय, एक ही समुदाय के लोग वहाँ रहे, बाकी लोगों को मारा जाए। आप भी जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई 80 और 90 के दशक में भी आरंभ हुई थी। जम्मू कश्मीर से वहाँ के मूल निवासी कश्मीरी पंडितों को खदेड़ करके भगाया गया, उन्हें मारा गया, उनका नरसंहार हुआ। अभी भी वही जिहाद चल रहा है, धैर्य पूर्वक हम लड़ रहे हैं, और बिल्कुल किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उस उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं। हमारी आर्मी काम कर रही है, आर्मी की चीफ जम्मू कश्मीर। एक और सवाल आपसे है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल भी मैंने खबर दिखाई थी, ये कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो कर्रा साहब है CWC के मेंबर, वो आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि जब जब चुनाव होता है या होने वाला होता है ना, तो ये सब होता है, तो ये आतंकी नहीं मार रहे, चुनाव मार रहा है।
ये चुनावों से जोड़ रहे हैं वो, ये सब आप लोग कराते हैं मतलब चुनाव की वजह से, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए आपको भी पता है इसके पीछे की सोच क्या है, ये कर रहा तो बहुत छोटा सा नेता है, इनके तो बड़े बड़े नेताओं का यही सोच है। और इसके पीछे का सोच है कि जिहादियों को बचाना, आतंकवादियों को कवर फायर देना, और सारा का सारा दोष जो है वो किसी भी प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी, हिंदू इत्यादि इनके ऊपर आ जाए। और आतंक देखिए, इनके सलमान सोच तो कहते हैं कि ये तो बॉयज़ विद गन्स हैं, ये आतंकवादी थोड़े हैं, दे आर किड्स विद गन्स। और अगर मौका मिले तो जम्मू कश्मीर के लोगों को आज भी अगर उनसे प्लेबिसाइट कराया जाए तो वो भारत नहीं चुनेंगे, वो पाकिस्तान चुनेंगे, ये तो कांग्रेस का सोच है। तो स्वाभाविक रूप से ये किसी भी कीमत में तुष्टिकरण की राजनीति में इस कदर गिर गए हैं कांग्रेस और कांग्रेस के लोग कि आज वो जिहाद के समर्थन में खड़े हैं। अमन भाई बुरा मत मानिएगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फेल्योर अगर सदियों से कुछ रहा है, शताब्दियों से कुछ रहा है, तो वो रहा है कि हम चंद मुट्ठी भर अनाज के लिए, मुट्ठी भर पैसों के लिए अपने एक मिनट समेत एक बड़ी खबर है अभी जो पता लग रहा है, दो और मर गए हैं। आप ठीक कह रहे थे कि इतने आतंकी भेजे जाएंगे जन्म की उरे कम पड़ जाएंगे, दो और मर दिए। ये अभी मुझे खबर मिल रही है, दो और आतंकवादी कुलगाम एनकाउंटर में, दो और मर दिए। तो ये तो मतलब सेना रौद्र रफ्तार में है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सलमान निजामी यही इलाज है इनका, तभी कश्मीर शांत होगा। और आप लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि एनकाउंटर और तेजी से और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए अच्छा, कश्मीर के लिए अच्छा। आप तो दुआ कर रहे हैं और मरे जितने हैं, जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। नहीं सलमान भाई, देखिए मैं कश्मीर से हूं और मुझे दुख है कि हमारा देश का सैनिक जो है भाजपा की नीतियों की वजह से आज गोली खा रहा है। पुंछ में एनकाउंटर चल रहा है, हर रोज रिपोर्ट आती है, एक सैनिक शहीद हो गया, दो हो गया, तीन, ये तो गिनती चल रही है। और जो समित पात्रा जी यहाँ बोल रहे हैं, मैं तो इनके साथ सैकड़ों मैंने डिबेट्स किए, 370 के बाद इन्होंने कहा था देखिए भाई एक महीने के बाद जो है आतंकवाद कश्मीर में खत्म हो जाएगा, देखिए आप बहुत चिल्ला रहे थे, आज क्या हुआ, क्या हुआ आपका? पहले तो बोला था कि नोटबंदी के बाद, आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा मैं बस पहले कहा था नोटबंदी के बाद, फिर कहा 370 के बाद, नहीं हुआ साहब। और हमने उस वक्त भी आपको कहा कि पाकिस्तान एक एनिमी नेशन है, वो हमें मालूम है। क्या सलमान निजामी पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने गया था? कौन गए थे? हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के वहां। आप बैक सीक्रेट टॉक्स पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, चाइना अंदर घुसा हुआ है, लेकिन आप अफगानिस्तान के तालिबानों के साथ कतर में बात कर रहे हैं, वाह, यहाँ देश में कह रहे हैं वो आतंकवादी है। साहब आप खुद कंफ्यूज है, कश्मीर को हैंडल कैसे करना है, आपका इंटेलिजेंस कहाँ है कश्मीर में? सलमान निजामी आप मुझे बताइए, श्रीनगर आज खुश है, हॉट ऑफ द सिटी में अटैक होता मुझे है। ये सारे सवाल इनसे पूछिए जितने पूछने हैं भाई। सलमान भाई एक सवाल पूछ लेता हूँ इनसे, जितने पूछने हैं पूछिए, मैं अट जाऊंगा बीच से। आज खुश है, आज सेना को सलाम और नमन करने का दिन है, सेना को सैल्यूट करिए, नमन करिए, और आज खुश है। बस इतना बताइए, 17 आतंकी पहुंच गए जन्म, आज खुश है या नहीं, बस इतना बता दीजिए और बाकी सवाल इनसे पूछ लीजिए। खुश है आज? मैं कह रहा हूं कि जिन्होंने कश्मीर में किलिंग्स की हैं, मासूम लोगों की हत्या की है, उनको सूली पर चढ़ाना चाहिए। खुश हैं आप? उनकी सजा यही है। आज खुश हैं आप? 17 मार दिए, 70 मरेंगे, आज खुश हैं? करना जो है, सेना को सलाम करते हैं, नमन करते हैं आज? आतंकवादी की यही है, बिल्कुल। मैं देश का सिपाही हूँ, मुझे फखर होता है कि हमारी देश की सेना 17 आतंकियों को मार दिया और मारे, लेकिन सरकार की नीतियों की वजह से हमारे सेना जो है इस वक्त जो है बॉर्डरों पे लड़ रही है, और भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के अपनी छाती थपथपा रहे हैं, ये लाल चौक में क्यों नहीं जा रहे आज? संबित, ये मनोरंजन करें वहाँ लाल चौक में, जो जश्न मना रहे थे 370 का, आज क्यों नहीं कर रहे? सलमान भाई जब जवान शहीद होते हैं तब भी सवाल पूछते हैं, आज तो आतंकी मारे हैं, अब तो आज बोलिए ना, आज सर आज सेना को नमन और सलाम करने का दिन है, 17 मारे 70 मारे, ये जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। आज तो आज जब जवान शहीद होते हैं तब आपका सवाल वाजिब है, आज तो आतंकी मारे हैं। हालात क्यों पैदा किए आपने? ये तो हालात ही तो बदलने हैं, इसलिए तो 17 मार दिए, दो अभी और मार दिए, अभी देखिए डिबेट खत्म होते होते मैं कह रहा हूँ 20-22 हो जाएंगे। सलमान भाई ये दुआ करिए, सलमान भाई ये दुआ करिए, सलमान निजामी ये देश नहीं झुकने देंगे, खत्म होते होते ये 17 के 70 हो जाएं, ये दुआ करिए 17 के 70 हो जाएं। खैर संबित आप बोलिए, संबित काउंटिंग कर रहे हैं आप? हाँ मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, ये तो जितने मरे जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे ना, मैं तो काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ये जितने आतंकी
आप काउंटिंग कर रहे हैं संबित 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 आप जवाब दे दीजिए किया आप लोगों ने ये अगर शांत हो जाए तो संबित संबित सलमान भाई जवाब सुन लीजिएगा संबित देखिए अमन जी मैं ये चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करूंगा बहुत थॉटफुल एक डिबेट होना चाहिए बहुत गंभीर विषय देखिए अमन जी सही कहा डिमोनेटाइजेशन के बाद और आर्टिकल 370 के बाद ये डिबेट्स तो हुई थी कि क्या आतंकवाद समाप्त हो जाएगा हमने कहा था मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा था कम तो जरूर होगा और आंकड़े आप देखेंगे तो कम तो हुआ है मगर समाप्त नहीं हुआ अभी हमें टॉन्ट कसा गया हमें चिढ़ाया जा रहा है काम हुआ हो गया क्या डिमोनेटाइजेशन कर दिया अमन भाई जरा मैं अकेले बोल सकता हूँ क्या बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहा हूँ मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ अमन भाई ये लोग बदतमीजी करेंगे बोलने नहीं देंगे गंभीर विषय पे तू मैं नहीं चाहता अमन भाई अगर शांति से बोल सकूँ तो मैं शांत बैठा हूँ अमन जी इनसे और बुलवा लीजिए फिर मैं बोलूंगा मैं आपका सम्मान करता हूं उसके बाद में बात करूंगा आप डॉक्टर हैं एक जिम्मेदार व्यक्ति है झूठ मत बोलना या तो आप बोल लीजिए फिर आप कंप्लीट कर लें फिर वो बोल लेंगे ना से बात करूंगा मेरे को आगे भी जाना है सलमान आप बोल लीजिए आपको और बोलना है 17 मरे या 70 मरे या अभी दुआ कर रहे हैं अच्छी बात है आप बोल लीजिए फिर एक बार फिर वो बोलेंगे एक एक करके अफसोस की बात है आप लोग गिनती कर रहे हैं आतंकी मरे अफसोस हो रहा है आपको देखिए आप कह रहे हैं हमारे फौजी जो है 10 मर गए वो 12 मर गए शहीद होते हैं फौजी मरते नहीं है फौजी शहीद होते हैं सलमान भाई ये T20 हो रहा है शहीद होते हैं मरते नहीं हमारे 10 सलमान निजामी संबित पात्रा आप बोलिए ठीक है बोलिए आप संबित अब वो भी नहीं बोलेंगे बीच में देखिए अमन भाई आप इस साइकी को समझिए इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशन कर दिया ये चढ़ाते हुए कहा डिमोनेटाइजेशन कर दिया क्या आतंकवाद समाप्त हो गया फिर उनका आर्टिकल 370 आपने हटा दिया महिलाओं को अधिकार दे दिया दलितों को अधिकार दे दिया स्कूल आपने खुलवा दिए आपने सड़क बनवा दिए बिजली दे दिया विकास कर दिया क्या उससे आतंकवाद समाप्त हो गया ये खुद मान रहे हैं कि आतंकवाद की जो साइकी है वो विकास से नहीं जुड़ी हुई है आतंकवाद की साइकी धर्म के साथ जोड़ करके किस प्रकार वहाँ एक धर्म विशेष को सफाया कर देना और उस भूमिखंड को केवल और केवल अपने लिए रखना यही तो जिहाद है और ये जो चिढ़ा रहे ना आतंकवाद समाप्त हो गया क्या ये इनकी साइकी को समझिए हम आतंकवाद समाप्त होने नहीं देंगे आप करिए क्या करना है देखिए 80 के दशक से आज तक आतंकवाद जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं समाप्त हो पाया याद कीजिए जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था मारा गया था 500,000 कश्मीरी पंडितों को तो उनके पास 3 ऑप्शंस थे जो कि मस्जिद से अनाउंस होते थे पहला ऑप्शन था कि आप कन्वर्ट हो जाइए दूसरा ऑप्शन था आप यहां से भाग जाइए और तीसरा ऑप्शन था अगर आप कन्वर्ट नहीं होंगे यहां से नहीं भागेंगे तो मरने के लिए तैयार हो जाइए और यह भी कहा जाता था जब आप भागेंगे तो अपनी लड़कियों को और अपनी पत्नियों को यही छोड़ के जाना है क्योंकि उस पर अधिकार हमारा है ये मस्जिदों से जिस मस्जिद को हम पाक कहते हैं और जहां जहां इस्लाम का सबसे पाक जहां वो प्रार्थना करते हैं उन मस्जिदों से ये 3 ऑप्शंस अनाउंस होते थे आप सोचिए इसके पीछे सोच क्या है आपको क्या लगता है कि ये जो नेता बने हुए हैं इस्लाम के मैं कॉमन लोगों को नहीं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर के साधारण आवाम है वो तो शांति और अमन से खुश है मगर ये जो ये जिनकी नेतागिरी इसके आधार पर चल रही थी कहानी पढ़ा रहे हैं आप ये क्या कहानी आप बता रहे हैं आपको दलितों का अधिकार आपने हमें वाल्मीकि आपको नॉलेज नहीं है आप बताइए मुझे आज वाल्मीकि जयंती है आज वाल्मीकि जयंती है आप अरे ये जिहाद शाब्दिक जिहाद बंद करिए चिल्लाना बंद करिए आप पहले बोलिए आपने कहा कि दलित है ही नहीं जम्मू कश्मीर में कहा है आपको दलित नहीं है जम्मू कश्मीर में किसने कहा दलित नहीं है जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि भाई है जम्मू कश्मीर में आप मुझे बताइए आपको किसने कहा दलित नहीं है आपको किसने कहा कि वाल्मीकि नहीं है जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि मौजूद है जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि भाइयों को अनुच्छेद 370 से पहले उनको ये अधिकार नहीं था कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ सके उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था आज अनुच्छेद 370 के बाद कश्मीर के वाल्मीकि भाइयों को ये अधिकार मिला है आप बोलते हैं वहाँ दलित नहीं है आप बोल रहे हैं वहाँ वाल्मीकि नहीं है आज कश्मीरी पंडित निकल रहे हैं वापस आप तो उनको बसाने जा रहे थे क्या हुआ आपके दाएं का अरे शर्म करिए आप उनको मार के भगा रहे हैं हालात जो पैदा किए हैं उनको मार के भगा रहे हैं किसी को बसाया नहीं आप उनको मार के भगा रहे हैं क्या हालात पैदा कर दिए आपके नेताओं की वजह से आर्टिकल 370 हटा दिया तो आप कश्मीर के जो बाहर के लोग हैं आप उनको गुलजार अहमद है लश्कर का कमांडर जो आज मरा एक और मैं बता दूं एक मिनट ये गुलजार अहमद है ये लश्कर का कमांडर है जिसको अभी अभी जन्नुम पहुंचाया सेना ने
अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है, दो आतंकी मार दिए बिहार में, बिहार से जो लेबर्स आए थे उन पर जो अटैक करने वाले, एक एक का बदला चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है, 15 दिन 10 एनकाउंटर 17 आतंकी ढेर, आरएसएन सिंह रॉ के पूर्व अधिकारी, अब मैं उनके पास जा रहा हूं, फिर मैं लोन साहब आपके पास आऊंगा इरफान हाफिज लोन, लेकिन पहले आरएसएन सिंह, ब्रेन चाइल्ड और ब्रेन में फर्क है, मतलब मैं आपसे सवाल बताओ रॉ के पूर्व अधिकारी इसलिए पूछ रहा हूं कि हम आतंक पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, कट्टरपंथ पर कर रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ा जा रहा है, वो जो आतंक का वुहान वो लेबोरेटरी उस पर भी कार्रवाई हो रही है मेरे ख्याल से, आरएसएन सिंह। मैं तो हर जगह ये बोल रहा हूँ कि देखिए ये पूरी जो आप देख रहे हैं अभी जो उछाल आया है ये जिहादी अटैक्स में, ये तो लोगों ने मतलब सबने उम्मीद की हुई थी कि तालिबान के आने के बाद इसमें उछाल आएगा, और ये उछाल का दौर हमने बहुत बार देखा है, जब खुमैनी का रिजीम आया था तब उछाल देखा था, फिर सद्दाम हुसैन का टी शर्ट वाला भी वो भी दौर देखा, फिर हमने वो ओसामा बिन लाडन वाला भी एक दौर देखा टी शर्ट वाला, वो भी उछाल था, अभी एक और उछाल आया, तो ये थे। दूसरी बात, किसी ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज, तो ये जितनी कार्रवाई हो रही है सर, ये जितनी कार्रवाई हो रही है ये बिना इंटेलिजेंस इनपुट के नहीं हो सकती है ना, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि बड़ा अच्छा सवाल था, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके दो पहलू हैं, एक पहलू है जो कि टेरिटोरियल पहलू है, जो आप देख रहे हैं LOC पे क्या हो रहा है, ये पुंछ में ऑपरेशन हो रहा है, कॉर्डन एंड सर्च हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, और मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान को कभी इस बात, वो पाकिस्तान हमेशा इस बात की, वो हमेशा उसकी यही मनोकामना रही है कि कोई भी जिहादी कश्मीर से वापस लौट के अपने घर ना आए, आप समझ रहे हैं बात। अब बात रही है कि ये कौन से लोग हैं, तो ये फिदाइन है, और आपने बिल्कुल कहा कि इतना आसान नहीं है, 90s के दौर पे ये सुसाइड बॉम्बर्स का फिनोमिनन नहीं था, आपको याद होगा तालिबान का, तो कोई मजहब अगर एक उस लेवल तक आ जाए सुसाइड बॉम्बर के लेवल पर, तो आगे क्या होगा, सुसाइड व्हाट बियॉन्ड सुसाइड बॉम्बर्स, आप बता दें इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। अब मैं आपको ये मानसिकता जो मैं बता रहा, तो सैयद सलाउद्दीन ने बोला था तालिबान बहुत उसका, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ, और अब एक हमारे कश्मीर के में जो हमारे जिहादी भाई हैं उनका समय आ गया एट्सेट्रा वो करके, लेकिन सबसे बड़ी चार मैंने कहा एक टेरिटोरियल आस्पेक्ट है जो LOC कॉर्डन एंड सीज फायर और इत्यादि, और एक है वैचारिक आइडियोलॉजिकल, लॉन्च पैड पर तो आप अटैक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन वो कौन सी मानसिकता है जो वो उस लॉन्च पैड तक, वो कौन सा वो जर्नी है, वो कौन सी यात्रा है जो उसको लॉन्च पैड तक लाती है, ये भी और ये यात्रा आज से नहीं शुरू हुई है साहब, ये यात्रा याद रखिएगा, ये दिस इज द 8th एग्जोडस दैट इज बीइंग अटेम्प्टेड, ये 8वां है, आपको मालूम है पहला 1400 ईस्वी में हुआ था जब बुद्ध शिकन जब वहां पे कश्मीर का रूलर बना था, आपको मालूम है, उसके बाद उसका बेटा जो था अली शाह, वो उसके बाद एक और दौर आया, एक इस्लामिक कट्टरपंथ, एक आदमी को इस्लाम को इंप्लीमेंट करने के लिए अपॉइंट किया गया, फिर औरंगजेब का, फिर अहमद शाह, 67 ईयर्स ऑफ अफगान रूल, then 100 साल डोगरा का रूल, 127 साल हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित नहीं, जो भी ये बोलता है पंडित ना, ये थोड़ा अपना वैकुबुलरी अपना चेंज कर लीजिए, 127 साल ये महफूज रहे, और 127 साल के बाद सडनली ये देखिए कैसे नेता दिए, वो अब्दुल्ला जिसको जेल में डाला, वो एक 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 मुफ्ती जिसने अपनी बेटी को अगवा करवा दिया जिहाद को बढ़ाने के लिए, ऐसे ऐसे आपके यहाँ नेता आए, और ऐसे ऐसे नेताओं को
आपने उनको रहनुमा बना दिया कश्मीर घाटी का। अरे बड़ा अच्छा हुआ ये लद्दाख अलग हो गया है इन 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 पापियों के चंगुल से। बहुत अच्छा हुआ ये 15% एरिया में रहने वाले ये लोग जी, ये लोग दे वर लॉर्डिंग ओवर 85% ऑफ द एरिया। तो आज बिल्कुल संबित पात्रा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो विचार है वो चाहे वो कोई भी मजहबी किताब हो जहां से ये उनको ये पिछले 700-800 साल से जो कि प्रेरित कर रहा है, तो हम सबको उसको अकाउंट में लेना होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको और सरल शब्दों में समझाऊं, और आज जैसे देश में बहुत लोग हैं विश्लेषण करने वाले, और इसीलिए लोगों की बहुत। और सुनिए साहब, हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी नहीं होता है। अगर ब्लास्फेमी करना है तो बांग्लादेश चले जाओ और पाकिस्तान चले जाओ और अफगानिस्तान चले जाओ, और वहां भी अफगानिस्तान से इरफान हाफिज बोल। ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जिहाद और हायर शरीयत, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभी इरफान हाफिज लोग काफिरों से एड मांग रहे हो। इरफान हाफिज शरीयत लागू करने के लिए सेना को धन्यवाद करिए। आज करना चाहिए आप लोगों को, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, भारतवासियों के लिए, आप लोगों के लिए, कश्मीरियों के लिए। सेना अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकियों को खत्म कर रही है। 17 मार दिए, 17 अभी और मरेंगे, शो खत्म होते होते 17 के 70 हो जाए मेरी वजह से। सेना को धन्यवाद कर दीजिए पहले। आज आप देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा कि जब कोई भी मरता है, मां का लाल मरता है, कोई सिविलियन हो, हमारा मैन इन यूनिफॉर्म। इससे पहले भी आपके साथ यही बात कही कि ब्लड स्पीक्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स ब्लड, and blood speaks only one language, that's death and destruction and miseries. मैं मां अहिंसा पे विश्वास रखता हूं और गांधी जी के तरीके पे अपने अधिकारों के मेरी डिबेट में। देखिए प्लीज अमन जी, मैं आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूं, गला काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और आप कह रहे हैं ब्लड ब्लड। बड़ा दिल पसीज रहा है ना आतंकियों के लिए। देखिए आतंकी मर रहे हैं, जनरल हुडा मर हो रहे हैं, सांस से आपकी फूल रही है। एक दफा कहा कि हम मिलिट्री लेवल पे लड़ेंगे, इफ आई एम राइट, उन्होंने ऐसा कहा कि, लेकिन अल्टीमेटली इसे एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जनरल हुडा साहब वो ये नॉर्दर्न यहाँ कमांडर भी रह चुके हैं, तो मैं ये कहने चाहता हूँ आपसे, हैविंग सेड सो, व्हाट आई मीन टू से कि 30 साल से हम एनकाउंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई, सेना के लोग आप देख रहे हैं किस तरीके से मर रहे हैं यहाँ पर सारे लोग, सिविलियंस भी। आपके चक्कर में सेना वाहन आतंकियों को मार रही है, आपको शर्म आती है? आप क्या बोलते हैं? बताइए क्या इरफान हाफिज लोन, आपको वाकई में शर्म आती है? सेना आपके लिए, कश्मीरियों के लिए इन आतंकियों से भिड़ती है, आतंकियों को मारती है, खुद शहीद होती है, और आप सेना को धन्य, और आप कह रहे हैं हाय खून बह रहा है, ब्लड स्टेन्स, दिल पसीज रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, शांति के कबूतर उड़ा रहे मेरी डिबेट में बैठकर। आप अंडरस्टैंड करिए, नहीं क्या अंडरस्टैंड करूं, आतंकी मरे हैं, 17 मरे हैं, 70 मरेंगे, ये दुआ करिए आप, आपके लिए सेना कर रही है। इरफान हाफिज लोन बोलिए, सेना को सलाम करिए, धन्यवाद करिए सेना को कि हाँ मारिए, 17 मारे हैं, 70 मारिए, बोलिए ना इरफान हाफिज लोन। देखिए देखिए ना अमन जी, किस पे आप अटक गए? आप डॉक्टर पात्रा से ये पूछिए ना, जिन्हें मैं मानता हूँ, वो वाकई डॉक्टर संबित पात्रा जी जो है एक डॉक्टर है, लेकिन इनकी जो डॉक्टरेट है वो ड्रामा में है, नौटंकी में है, क्योंकि आप देखिए ना किस तरीके से हिटलर की तरह वो जो झूठ को आतंकवाद भी तो नहीं है ना, सत्य लगे। आप इनसे सवाल पूछे, इन्होंने कहा था कश्मीर सुलझ जाएगा। आप खुश हैं आतंकियों के मरने से? आप दुखी हैं? इतना दर्द आपको तब नहीं हुआ था जब हिंदुओं की हत्या हो रही थी? आज आपको शांति के कबूतर उड़ाने हैं? नहीं इरफान हाफिज लोन, आए दिन हमारे 10 जवान शहीद हुए, हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं, सुपिंदर कौर, माखनलाल बिंद्रू, आपको दर्द नहीं हुआ? आज आतंकी मर गए, आज आप परेशान हो रहे हैं? आज आतंकी मार दिया, आज आप शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं मेरे स्टूडियो में बैठकर? वहां जब सेना के जवान शहीद हो रहे हैं उनके मानवाधिकार नहीं होते तब आप नहीं बोलते? जब माखनलाल बिंद्रू को मारा, सुपिंदर कौर को मारा, वीरेंद्र पासवान को मारा, दीपक चंद को मारा, तब आपको दर्द नहीं हुआ? आज आपको दर्द हो रहा है? अभी तो इंतजार करिए, जो संबित ने कहा ना, इतने आतंकी भेजे जाएंगे जहन्नुम की हूरे कम पड़ जाएंगी। आंसू बचा कर रखिए, मुझे दर्द होता है, मैं गांधी जी के देश से हूँ। अच्छा, आतंकियों के मरने पर दर्द होता है आपको? मैं बातचीत को महत्व देता हूँ, शुक्र है ये गांधी जी, आतंकियों के मरने पर इनको दर्द होता है? आपको पता है ओवरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े जा रहे हैं? चलिए मैं आपके लिए बता दूं,
खतरे की घंटी ओवरग्राउंड वर्कर्स की भी धरपकड़ हो रही है। बहरहाल समित आप जवाब दे दीजिएगा, समित आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा इरफान हाफिज। ओवरग्राउंड वर्कर भी पकड़े जा रहे हैं, बस ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। साल से हम देख रहे हैं हमारे सेना के लोग किस तरीके, और देखेंगे आंसू बचा कर रखिए। अभी ये अगर शांत हो जाए, मुझे अगर शाब्दिक जिहाद के लिए करे तभी तो बोलूंगा। समित जैसे लोग जो है वो हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास पर रखने वाले लोग हैं। अच्छा, सेना को हिंदुस्तान के संविधान में विश्वास नहीं है, देश हित में ये बात बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको नहीं है सेना पर भरोसा, आतंकियों के मंदे पर आप परेशान हैं। ठीक है, हम जैसे लोगों की बात को मानना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं मानेंगे आतंकियों की बात को, क्यों मानेंगे भाई? मैं बिल्कुल डार, ये वानी सोफी बोलेंगे, समिता बोलिए, समित देखिए, इतना खून बहाना ठीक नहीं है, वो ये कह रहे हैं बस, इसका जवाब दीजिएगा। सॉरी मैंने बीच में टोका, इतना खून ना बहाए सेना, उनको दुख हो रहा है, वो देखिए ना उनका चेहरा दुख हो रहा है उनको। सेना खून बहा रही है आतंकियों का। देखिए अमन भाई, आपको क्या लगता है ये डिबेट से कुछ हल हो जाएगा? आपको क्या लगता है, आप और मैं बैठ के अगर 2400 घंटे लोन जी के साथ डिबेट करते रहे तो क्या ये मान जाएंगे कि हाँ हिंदुस्तान की सरकार जो कर रही ठीक कर रही है, हिंदुस्तान भारतवर्ष जो कर रहा है ठीक कर रहा है, इंडिया की आर्मी जो कर रही है ठीक कर रही? नहीं करे मानेंगे ये। उनके लिए अभी भी, कल भी और परसों भी बुरहान वानी ही महत्वपूर्ण था। ये कभी बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं कहेंगे। मैं पूछता हूँ अभी इनसे, लोन साहब बुरहान वानी आतंकवादी है क्या? अगर आतंकवादी है तो एक शब्द में बताओ जरा आप, एक लाइन में नहीं बता पाएंगे उत्तर, अभी भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, उत्तर नहीं देंगे। तो इनके लिए बुरहान वानी महत्वपूर्ण था, अफजल गुरु महत्वपूर्ण था, कभी भी उनके उनके मारे जाने पर ये दुखी नथुराम गोडसे को कहा इनकी पूजा करनी चाहिए, श्रद्धांजलि दी नथुराम गोडसे को। साध्वी आतंकवादी नहीं है, बापू को मारा, वो आपकी सांसद है। साध्वी ने गलत कहा, मगर साध्वी आतंकवादी नहीं है। अब ये बौखला गए हैं, जरा इनकी आवाज को कम करिएगा तो ये इनकी बौखलाहट कम होगी, तभी मैं बोल पाऊंगा। ये बौखलाहट नहीं है, बीजेपी को अगर अगर बौखलाहट कम होगी तो प्रश्न पूछना आपने प्रश्न पूछ लिया, अब उत्तर सुन लीजिए, बौखलाइए मत। आपने प्रश्न पूछ लिया, अब उत्तर सुन लीजिए। ये लोकतंत्र नहीं होता है, ये शाब्दिक जिहाद होता है, जहां दूसरों को बोलने नहीं देते हैं। चलिए मैं शांति से बैठा हूं, इनका पूरा फ्रस्ट्रेशन निकल जाए तो मैं बोलूंगा। सरकार से बीजेपी से प्रश्न पूछेगा उसे आप देशद्रोही नहीं कह सकते। आतंकियों के मानव अधिकार प्रश्न हो गया, ठीक है ना? हाँ, समिता आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा अभी, समिता आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं सलमान निजामी आ रहा हूँ। ठीक, थैंक यू। देखिए मैंने तो अपना पॉइंट प्रूफ कर दिया। मैंने कहा कि आप बुरहान वानी को जरा आतंकवादी बोलिए, तो इन्होंने कहा कि आप साध्वी प्रज्ञा को आतंकवादी मानते हैं क्या? मैं तो यहाँ स्पष्ट कह रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी नहीं है। हाँ, महात्मा गांधी जी के लिए जो कहा वो सरासर गलत था, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, मगर गलत कहना और आतंकवादी में फ़र्क होता है। मगर आपने बुरहान वानी को साध्वी प्रज्ञा से जोड़ दिया, क्योंकि आप आतंकवाद को और आतंकवादियों को समर्थन करते करते आप आतंकवादी जी उससे समस्या का समाधान होगा। मैं 100 दफा नहीं, 1,00,000 दफा कहूंगा, लेकिन हाँ, होगा क्या उससे समस्या का समाधान? हाँ, समाधान होगा, तो रहे 17 मार दिए, कैसे होगा? मार दिए होगा, होगा। अगर आप आतंकवादी को आतंकवादी कहेंगे, लड़ रहे हैं, गलत को गलत कहेंगे तो समाधान होगा, अच्छी बनेगी एक समस्या का समाधान। चलिए लोन, इरफान आप इस लोन रुक जाइए, आप रुक जाइए, बोलने दीजिए, मुझे सलमान निजामी के पास भी जाना है, वेट कर रहे हैं सारे, और आप सब रखिए, सारा होगा। 17 मारे 70 मारेंगे, आप बोलिए संबित, आतंकवादी को, चलिए अब उनका ऑडियो बंद कर दीजिए, संबित आप बोलिए, फिर मैं सलमान निजामी आपके पास आऊंगा। सलमान संबित, देखिए आतंकवादी को आतंकवादी बोलने से, जिहाद को जिहाद बोलने से समस्या का समाधान होगा, 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 क्यों नहीं होगा? अगर आप आतंकवादी को बोलेंगे ये तो किड्स विद गन है, ये तो बच्चे हैं जिनके हाथों में बंदूक है और ये अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप आतंकवादी को महात्मा गांधी के साथ कंपेयर करेंगे ये आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है भ्रम फैलेगा और ज़्यादा लोग आतंकवादी बनेंगे। इसलिए आप इस शो में, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप बुरहान वानी को एक बार आतंकवादी बोल दें। नहीं, वो नहीं बोलेंगे। बुरहान वानी को एक बार आतंकवादी बोल दीजिए, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बुरहान वानी को आतंकवादी बोल तो दीजिए, सॉल्व होगा, मतलब ये पूरा का पूरा विषय सॉल्व होगा। लेट अस बिगिन टुडे, टुनाइट लेट्स बिगिन बाय कॉलिंग अ टेररिस्ट अ टेररिस्ट। माय नेम इज बुरहान वानी एंड आई एम अ टेररिस्ट। है कि नहीं है सच्चाई? बुरहान वानी आतंकवादी है कि नहीं? देखिए अमीश भाई, ये व्यक्ति, ये अच्छा, बुरहान वानी के खिलाफ बोलने से यूपी में हमें फायदा होगा, चुनाव से जोड़ते आप सोच लीजिए अमीश भाई, इनकी सोच को सोचिए। मैं अगर बुरहान वानी के खिलाफ बोलता हूँ तो यूपी में हमें फायदा होगा, आप इनकी सोच को देख रहे हो? आगे
यूपी में आवाज नहीं आ रही है आपकी और आपका आपका जो चलिए गुलाम नबी आजाद को एक बार सुना देते हैं। मैं मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है संबित, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं अमन बोल रहा हूँ, संबित मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन गुलाम नबी आजाद कल कर्रा और आज गुलाम नबी आजाद, ये सलमान भाई मैं आपके लिए सुना रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं हम लोग को लेकर, किस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है कि 370 हटा दिए इसलिए सब हो रहा है, ये अंदरूनी लड़ाई है, किस तरह से जस्टिफिकेशन है सुन लीजिए एक बार गुलाम नबी आजाद को। When abrogation of Article 372 took place and when the state was divided into two, instead of having 144-hour curfew, more than 16,000 people were holed up and put in jail. So that has worsened the things. Instead of improving the things worsened. सलमान निजामी, कवर फायर जरूरी होता है आतंकवादियों को कि ये 370 हटा दिया इस वजह से 16,000 लोगों को जेल में डाल दिया इसलिए उनकी भड़ास है खुन्नस है उन्होंने हथियार उठा लिया और भून दिया, ये अंदरूनी लड़ाई है, पाकिस्तानी आतंकियों का कोई लेना देना नहीं है, क्या आतंकियों को कवर फायर जरूरी होता है क्या सलमान भाई? कोई कवर नहीं कर रहा है, कौन बोल रहा है? और गुलाम नबी आजाद साहब आपको मालूम है कौन शख्स है जिनके ऊपर 30 आतंकवादी हमले हुए कश्मीर में, और गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम पे मिलिटेंट जो है एक्टिव सिर्फ 78 थे, आज 5 times बढ़ चुके हैं। ये एक एक्सपीरियंस लीडर आपको सलाह दे रहा है, आपको समझना चाहिए कश्मीर में जो आज हालात आपने पैदा किए किस वजह से, अगर 7 किलिंग्स हुई है आपने 2000 कश्मीरी युवाओं को किया कर दिया, आपका फेल पाकिस्तानी आतंकियों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, सब हमने किया, ये सब चुनावों के चक्कर में हो रहा है, सरकार कर रही है, अंदरूनी मसला है, आतंकियों को क्लीन चिट देते हैं आप लोग, युवाओं देखिए आप लोग आतंक इंटरप्ट नहीं करते, मेरे पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन मैं सलमान आपसे सवाल ना पूछूं, आप चाहें तो मैं सवाल ना पूछूं आपसे, जैसा आप कहें, पूछे मेरे को तो बोलने दीजिए ना, मैं सवाल पूछ लेता हूं फिर आप बोलिए, हाँ बोलिए, आतंकियों को क्लीन चिट देना है ना, मतलब मैं पाकिस्तानी आतंकवादी कोई नहीं है इसके पीछे, ये सब अंदरूनी लड़ाई है चुनाव के चक्कर में, 370 अंदरूनी लड़ाई है, आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी इसमें नहीं है, ठीक है, उनको क्लीन चिट तो इन्वॉल्व है, पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है, मैं कह रहा हूँ क्या सलमान निजामी पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने गया था क्या? सलमान निजामी जो है की वजह से हो रहा है पाकिस्तान से बैक सीक्रेट टॉक्स कर रहा है, कौन कर रहा है बातचीत पाकिस्तान के साथ? 370 हटाने की वजह से हो रहा है सलमान भाई, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं अपने इंडियन, सलमान निजामी गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, उनकी आवाज मेरे ख्याल से नहीं पहुंच पा रही, मैं आरएसएन सिंह आपके पास आऊं, आरएसएन सिंह पहले मैं आपके पास आ रही हूं, आतंकवादियों को कवर फायर का काम करता है ना इस तरह का स्टेटमेंट, और पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट को यूज करता है कि देखो तुम्हारे घर के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदरूनी लड़ाई है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने लोगों, फिर कोट किया जाता है इनके स्टेटमेंट्स को कि अंदरूनी लड़ाई है, 370 हटा दिया इसलिए अंदर का असंतोष है, पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, आरएसएन सिंह, उसके बाद में सलमान आपका जब सिग्नल ठीक होगा आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से बुरहान वानी तो 370 रहते हुए पैदा हुआ था, सैयद सलाहुद्दीन 370 रहते हुए पैदा हुआ था, 90 में की दशक के शुरुआत में जो कश्मीरी हिंदूज का जो एग्जोडस हुआ वो 370 रहते हुए हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी को अगवा 370 रहते हुए करवाया था, चेचेंस पठान्स उज़्बेक्स जो आप उनकी पूरी और आपने टूरिस्ट इंडस्ट्री चला रखी थी और उस टूरिस्ट इंडस्ट्री में सब कुछ शामिल था, बिरयानी ही नहीं शामिल था और भी बहुत चीज़ें शामिल थी, सब कुछ था, शराब भी था, शबाब भी था, बिरयानी भी थी, वो 370 रहते हुए हुआ था, चरारे शरीफ 370 रहते हुए था, और जब 370 नहीं था तो 7 एग्जोडस उसके पहले हुए थे, जब 370 नहीं था तो मरतंड का मंदिर उसी समय तोड़ा गया था जब 370 नहीं था, ब्रिज बहरा का मंदिर 370 नहीं रहते हुए तोड़ा गया, तो ये 370 का रहना और अरे जमहूरियत और राजनीतिक शरीयत और जमहूरियत में कोई 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 मिलाप है क्या? दूसरी बात, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा साहब, बस आप एक चार चीजें करवा दें आप कश्मीर में, आप पहले ये
आप ये मदरसों में कश्मीरियत के बारे में पढ़ाना शुरू कर दें आप, और ये जितने बिहार और यूपी के जो ये नलायक मौलवी है ना, इनको उठा कर फेंको वहां से, वहां पे कश्मीरियत के बारे में पढ़ाना शुरू कर दो। जो कुतबे पढ़े जाते हैं ना फ्राइडे प्रेयर्स के दिन, उस दिन कश्मीरियत के बारे में बताओ। उसके बाद अपने घरों में, अपने घरों में अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हारे हिंदू पूर्वज कौन थे, उनको, और बताओ कि मोहम्मद इकबाल का जो ग्रैंडफादर था वो कौन सप्रू था, और ये फरूक अब्दुल्ला का पूर्वज था राघो राम कौल, ये बताओ। अपने आप, अपने अपने आप देखिएगा, नजदीकियां हम में आ जाएंगी। और तीसरा कि ये उनको उनको अपने कश्मीर का जो हिंदू इतिहास है वो भी थोड़ा पढ़ाओ। और कलहना की जो वो रास्तरंगनी है वो तो बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए, चाहे कुरान पढ़े चाहे ना पढ़े, वो जरूर पढ़ना चाहिए। और गांधी का नाम लिया तो गांधी के बारे में जरूर पढ़ाओ, और वो ये पढ़ाओ कि जो जिसने अपनी किताब में माले गनीमत जो था वो, उसकी तुलना आप जरूर अपने मदरसों में गांधी जी से करो। अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हारे हिंदू पूर्वज कौन थे। कश्मीरियत आ जाएगी। अरे ये पैतरे बहुत, ये पैतरे झूठ का पुलिंदा लेके आप लोग। चलिए मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद सलमान मैं आप इसे शुरू करूंगा। मैं ब्रेक ले रहा हूँ सलमान, ब्रेक के बाद मैं आप इसे शुरू करूंगा। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत आगे। भारत पाकिस्तान मुकाबले की पल पल की हर खबर पहुंचाने के लिए मैं यानी अमृतानंद पहुंच चुका हूं दुबई। हो जाइए तैयार T20 वर्ल्ड कप में नारा बुलंद करने के लिए, जीतेगा तो इंडिया ही। और आपको बता दें एक और गिरफ्तार हो गया है, एक और आतंकी गिरफ्तार हो गया। देखिए देश ने झुकने देंगे, बार बार कह रहा था कि डिबेट खत्म होते नंबर बढ़ना चाहिए, एक घंटे में 3 हो गए हैं, 2 मार दिए, 1 को पकड़ लिया है। जब डिबेट की शुरुआत की थी शो की तो 15 थे, 2 मार दिए और अब 1 को पकड़ लिया है। सेना रौद्र अवतार में है, बार बार यही मैसेज है कि जितने हथियार उठाएंगे सारे मारे जाएंगे, एक एक का बदला, क्योंकि अभी लश्कर आतंकी गुलजार अहमद को मारा गया है, लश्कर का आतंकी एक और को मारा गया, 2, और अब एक को पकड़ लिया गया है ग्रेनेड के साथ, 3। तो अब तक 17 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सलमान निजामी साहब अब तो थैंक यू आर्मी कर दीजिए, एक एक कर, मतलब कश्मीरियत का कत्ल करने वालों का चुन चुन कर बदला लिया जा रहा है, खुश है आप तो? बिल्कुल, मैंने तो ट्वीट भी किया है ये, और मैं तो बिल्कुल इनोसेंट किलिंग्स के खिलाफ हूँ। जो भी शख्स जो है आतंकी जो है वो बेकसूर शख्स का कत्ल करेगा उसकी सजा यही है। और दूसरी बात ये है कि आईजी कश्मीर ने खुद कहा कि इसमें जो है मैक्सिमम जो है कश्मीरी मुसलमान है जिनका कत्ल हुआ है इतने एक साल में, 28 या कितना है फिगर। बात यह है कि इसका आउटकम क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, वहां तक जाने की जरूरत है। अब हम काउंटिंग करेंगे कि इतने लोग मर गए, वो मर गया, ऐसे ये कब तक चलेगा? आपने कहा था सोल्यूशन इसका 370 हटाना है, लेकिन वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप? आपने स्टेट भी छीन ली हमसे, कहा इसका सोल्यूशन यही हो, लेकिन फेल हो गए ना। इसलिए हमें रूट कॉज में जाने की जरूरत है। आप दिल्ली में एक बात कहते हैं, कश्मीर में दूसरी बात कहते हैं। कश्मीर के जो वहां के जिम्मेदार ऑफिसर हैं पुलिस के, वो कहते हैं कि यूथ जो है मिसगाइडेड है, उसको जो है एलिनेट जो है आपकी पॉलिसीज की वजह से किया गया। आपने जो है ऐसे कानून बनाए कि अगर कोई पत्थर उठाता है उस पर जी उसको नौकरी नहीं देंगे, उसको पासपोर्ट नहीं देंगे। हमें वाजपेयी जी की पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, मोदी जी तो खुद कह रहे थे इनके हाथ में कलम होना चाहिए बंदूक नहीं। तो कैसे आप वो पॉलिसीज बनाइए ताकि युवा जो है वो मिसलीड ना हो, वो आप पे जो है आपसे दूर ना जाए, आपके करीब आए। इसलिए आप 10 को मारेंगे 20 और पैदा होंगे, 20 को मारेंगे 40 और, ये तो चलता रहेगा। इसका सबसे बड़ा जो आउटकम है, रिजल्ट ये है कि आप वहां के युवाओं को कॉन्फिडेंस में लीजिए और ये पॉलिसीज जो है आप मत कश्मीर मतलब में लागू करिए। युवा का मतलब ये बशीर डार, ये गनी हुसैन डार, हसन नाइको, अहमद शाह, अहमद डार, निंगरू, सोफी, मेरे पास तो लिस्ट है 17 के 17 की। इनको आप युवा तो नहीं कह रहे ना, बच्चा अच्छा तो नहीं कह रहे, इनसे तो नहीं बात करनी ना?
मतलब ये तो आतंकी हैं। ये तो देखिए आतंकी तो वो भी था जो भाजपा के टिकट पे कश्मीर से इलेक्शन लड़ा डीडीसी का, ये आतंकी था वो भी था। ये तो आतंकी है ना सलमान, ये तो आतंकी है ना, इनको मारा बढ़िया, ये तो आतंकी है, थोड़ी ना बात करेंगे। देखिए पॉलिसी जो डीजीपी है वो अनाउंस करते हैं, जो कश्मीर में एनकाउंटर होता है वहाँ जो पुलिस ऑफिसर होता है वो अनाउंस करता है आप सरेंडर करिए आपको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। हाँ। यही पॉलिसी है, हाँ है आप वो थोड़ी अभी भी सॉफ्ट पॉलिसी रखिए। ठीक है, सेना मौका देती है, हम नहीं चाहते कि किलिंग सो। नहीं ठीक है बाप, समेत आप जवाब दे दीजिए, आपकी पॉलिसी फॉल्टी है। वो कह रहे हैं कि आपका पॉलिसी फॉल्टी है, भाई इनसे बात बात करिए। वो मेरे ख्याल से सैफुद्दीन सोज ने भी कहा था, बच्चे हैं कि बच्चों की बात सुनिए, इनके दिल की बात सुनिए, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, ये सैफुद्दीन सोज ने भी कहा था। ये शायद सलमान निजामी कहने की कोशिश करें, इनसे बात करिए भाई बच्चे। फिर मैं आरएसएन आपके पास आऊंगा सर। देखिए अमन जी यहाँ जस्टिफाई भी किया जा रहा है और एक्सक्यूज भी ढूंढा जा रहा है। जस्टिफाई किया जा रहा है उन यूथ को मिसगाइडेड बता करके जो एक्चुअली टेररिस्ट और आतंकवादी हैं। वो इन्होंने बंदूक इसलिए उठाया है क्योंकि हमारी पॉलिसी फॉल्टी है। अगर पॉलिसी फॉल्टी नहीं होती तो ये जो यूथ है वो मिसगाइडेड नहीं होता और वो बुरहानवानी नहीं बन जाता। तो एक तो उस यूथ को, सो कॉल्ड कोट अनकोट यूथ को मिसगाइडेड होना पड़ा और वो आतंकवादी बन गया। तो यहाँ जस्टिफाई किया जा रहा है और फिर एक्सक्यूज़ भी ढूंढा जा रहा है। पॉलिसी में एक्सक्यूज़ है, वो झारखंड का यूथ, वो ओडिशा का यूथ, वो बंगाल का यूथ, वो पॉलिसी से आतंकवादी नहीं बन जाता है, मगर यहाँ पर वो आतंकवादी बन जाता है। पॉलिसी पॉलिटी आतंकवाद पॉलिटी नहीं। देश के कोने कोने पे स्टोन पेंटिंग हो रही है आजकल, पूरे देश में स्टोन पेंटिंग हो रही है। अच्छा, युवाओं ने तो आत्महत्याएं कर दी। आप कांग्रेस पार्टी के, एक सेकंड अमन भाई जरा इनकी आवाज को कम रखिए, यहाँ तो स्टोन पेंटिंग ना करें। अमन भाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के बयान को सुनिए कि देश के कोने कोने में अब स्टोन पेल्टिंग होने लगा है क्योंकि ये फॉल्टी पॉलिसी मेकिंग है और ये अलाउड है। आप जानते हैं अमन भाई, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सर्वाधिक स्टोन पेल्टिंग होती थी। और आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी पॉलिसी लाने से स्टोन पेल्टिंग नहीं होगी। हम सभी यूथ को नौकरी दे देंगे, हम यहाँ अच्छे सड़क बना देंगे, हम आपके स्कूल्स में फैसिलिटी दे देंगे, हम उज्ज्वला गैस योजना चला के गैस सिलेंडर दे देंगे। तो क्या आप लोग आतंकवादियों का, आप कहेंगे लोग आतंकवादी नहीं बनेंगे? क्या पॉलिसी चाहिए आपने? क्या आपको, क्या आपको मतलब कुछ भी नहीं दिया? क्या 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 बताइए ना, कितनी नौकरियां दी आपने जम्मू कश्मीर में, बताइए कितना रोजगार दिया वहां? तो नौकरी कम रहेगी तो आप आतंकवादी बन जाएंगे। तो नौकरी नहीं, कम रहेगी तो आप आतंकवादी बन जाएंगे। अमन भाई मैं ये जानना चाहता हूँ, नौकरियां कम रहेंगी तो लोग बंदूक उठा के हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे? नहीं एक सेकंड अमन भाई, ये बहुत सीरियस, उसमें मुसलमान भी मर रहे हैं ना, उसमें मुसलमान भी पिस रहा है, आतंकवादी बन कश्मीर में। ये हिंदू मुसलमान नहीं है, सगीर अहमद जो है वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। निजामी आप किसको जस्टिफाई कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, बस करिए, छोड़ दीजिए सलमान निजामी, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। सलमान निजामी आप क्यों जस्टिफाई, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है तो वो आतंकवादी, आप छोड़ दीजिए, मत जस्टिफाई करिए। जो बंदूक कोई फायदा नहीं है उसका अंजाम यही, मतलब जो अगर असंतोष है तो बंदूक आपने क्यों नहीं उठाई? फिर बंदूक भाई आप भी बहुत नाराज है, आपने क्यों नहीं बंदूक उठाई? नौकरी करे सलमान निजामी, आपने बंदूक नहीं उठाई ना, आपने पत्थर नहीं उठाया ना, क्योंकि आप संविधान में भरोसा रखते हैं। आपने उठाई बंदूक नहीं, आपने पत्थर उठाया नहीं, क्योंकि आपका संविधान में भरोसा है। आप भी नाराज हैं, आप भी नाराज हैं ना, लेकिन आपने नहीं किया ना ये सब, क्योंकि आपकी वो सोच नहीं है। मगर जो हथियार उठाएगा ऊपर जाएगा। सोच को बदलने की जरूरत है ना साहब, सोच बदलने बैठे हम यहाँ पर। अगर कोई आप ठीक है, मुझे मुझे आरएसएन सिंह के पास जाना है, लेकिन सम्मित ना आपको सोच को बदलने की जरूरत है। सोच को बदलिए भाई, सोच, बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात सुनिए। सम्मित आप बोलिए, उसके बाद मैं आरएसएन आपके पास आऊंगा। सम्मित जल्दी से। ठीक ठीक, नहीं बिल्कुल सही कहा अभी है भाई साहब ने, बिल्कुल सही कहा सलमान निजामी ने कि आप रूट कॉज में जाइए और सोच को बदलिए। ये नौकरी की लड़ाई नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। और उस सोच को और रूट कॉज को बहुत अच्छे से आरपीएन सिंह जी ने अभी डिफाइन किया था, उसको कितने बढ़िया से डिफाइन किया। क्यों ये फॉल्टी सोच है, ये जो जिहाद यूथ को एलिनेट किया आपकी पॉलिसी की वजह से नहीं है। अच्छा पहले नौकरी थी तो अब वो भी नहीं है, अब सोच भी नहीं है, अच्छा अब राइट है। आप देखिए, अच्छा ये आप सोच भी नहीं है, खिलाफ आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, अभी बोल रहे थे सोच पे जाइए, अभी बोल रहे थे सोच पे, चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अच्छा चाइना के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इसने बंदूक उठा रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद कर दिए, उस पे कोई कार्रवाई नहीं, चाइना पे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, इसने बंदूक उठा रहे हैं। नहीं सलमान भाई,
सलमान भाई, चाइना के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई इसलिए आतंकवादी बंदूक उठा रहे हैं कश्मीर में, ये आपका आर्ग्यूमेंट है? सोच बदलना है उसके बाद राइट है। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए आपकी हिना कौन सी पॉलिसी के खिलाफ, उसने कहा था कौन सी पॉलिसी के खिलाफ, आप जो जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं आतंकवादी कौन सी पॉलिसी के खिलाफ बंदूक उठा रहे हैं? आतंकियों की गलती नहीं है, वो भोले वाले बच्चे, उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो बंदूक उठा लेते हैं और दो चार दस बारह हिंदुओं को मार देते हैं, जवानों को, वो गलती उनसे उनसे बात कर, वो रूट कॉज में, आरएसएन सिंह रूट कॉज में जाने की जरूरत है, वो हथियार क्यों उठाते हैं? आपने एलिनेट किया उनको, आरएसएन सिंह कश्मीर से उनके हक छीन लिए गए, हक छीन लिए गए, अरे भाई आप हक छीन लिया गया तो वो बंदूक उठा लेता है, जस्टिफाई वाले ये तो भाई आरएसएन सिंह का बोलिए। हां सावरकर ने किस क्यों मार दिया था गांधी को, देखिए आप इसको गॉडसे क्यों मार दिया था गांधी को, ये आप सलमान निजामी एक मिनट, आप जो जो बोल रहे हैं आपको आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं, एक मिनट आरएसएन सिंह साहब, एक मिनट सॉरी, उसका जवाब दीजिए, आप तब से बैठे हैं मुझे हैरानगी है कि आप आतंकवाद को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप आतंकियों को कवर फायर दे रहे हैं, आज 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 आतंकी आप जितने आतंकी है ना वो निकालेंगे, आपका क्लिप देखिए, हम मजबूर हैं बेचारे, हम क्या करें, देखिए वो कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि भाई हम मजबूर थे, हम पर अत्याचार हुआ, हमने बंदूक उठा ली, गलती सरकार की है, ये सलमान निजामी आप क्या बोल रहे हैं, आपको शायद वापस लेने, बहरहाल मुझे वाइंड अप करना होगा जल्दी से, आरएसएन सिंह आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद, आरएसएन सिंह नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये कह रहे रोजगार रोजगार नहीं मिला, इनका हक नहीं मिला, 370 हटा दिया, तो ये बताइए कि जो हाफ अ मिलियन 5 लाख जो कश्मीरी हिंदू को जो हिंदुओं का जो पलायन हुआ उनमें से कोई दहशतगर्द क्यों नहीं निकला? यस, तो आप जानते हैं बीमारी कहाँ पे है ना। दूसरी बात कि क्यों 370 का एक सबसे बड़ा, बाकी छोड़ दीजिए, क्या हम यहाँ पर हम ट्रॉफी लेके बैठे हुए हैं कि जो जो इस देश में कन्वर्ट करेगा उसको हम ऑटोनॉमी देके उसको हम ट्रॉफी देंगे? चलिए ठीक है, मेरे पास समय इतना ही, और अब सौ बात की एक बात किशोर रजवाड़ी के साथ।